नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। जम्मू कश्मीर में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। राजौरी जिले में सबसे अधिक 81% मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईपीएस प्रोबेशनरी अधिकारियों से बातचीत की, पूरी लगन से कार्य करने का किया आह्वान। भारत ने ताजिकिस्तान के 2 करोड़ डॉलर का अनुदान देने की घोषणा की। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल बीएस धनोआ ने कहा, राफाल लड़ाकू विमान और S-400 मिसाइलें हासिल करने से भारतीय वायुसेना की क्षमता बढ़ेगी। अमेरिका के विलियम नॉडहास और पॉल रोमर को स्थायी विकास के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा ने कहा, सतत विकास के लक्ष्य हासिल करने में भारत की सफलता से दुनिया का स्वरूप बदला जा सकता है। और जकार्ता में पैरा एशियाई खेलों में भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। जम्मू कश्मीर में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव के पहले चरण में राज्य के तीनों डिवीजनों के 422 वार्डों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज शाम शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इस चरण में जम्मू कश्मीर और लद्दाख डिवीजन में वोट डाले गए। जम्मू जिले में 153 वार्डों में करीब 64% मतदान हुआ, जबकि सीमावर्ती राजौरी जिले के 59 वार्डों में सबसे अधिक 81% वोट डाले जाने की खबर है। पुंछ जिले के 26 वार्डों में 74% मतदान हुआ। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि कश्मीर डिवीजन के कुपवाड़ा जिले में 32% मतदाताओं ने वोट डाले, जबकि करगिल में 78% मतदान की खबर है। लेह में शाम 4 बजे तक 55% मतदान हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान के दौरान कहीं से किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। आज पहले चरण के चुनाव के दौरान भारी संख्या में मतदाताओं ने अपने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया। रियासत के अलग अलग हिस्सों में 820 मतदान केंद्रों, जिनमें 670 जम्मू प्रांत और 150 कश्मीर एवं लद्दाख क्षेत्र में आते हैं, में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। आज पहले चरण में जम्मू नगर निगम की 75 वार्डों के साथ साथ जम्मू जिले की 79 नगर समितियों, राजौरी जिला की 5 नगर समितियों के 73 वार्डों और पुंछ की 2 नगर समितियों की 30 वार्डों के साथ साथ लेह और कारगिल की नगर समितियों की 13-13 वार्डों में आज मतदान संपन्न हुआ। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से आरके रैना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस प्रोबेशनर अधिकारियों का आह्वान किया है कि वे समर्पित होकर कार्य करें और अपनी जिम्मेदारियां पूरी दक्षता से निभाएं। श्री मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय पुलिस सेवा के वर्ष 2017 के बैच के 100 प्रोबेशनरी अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने उन 33,000 पुलिसकर्मियों के बलिदान का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने दायित्व के निर्वाह में अपनी जान न्यौछावर कर दी। बातचीत के दौरान सुशासन, अनुशासन और आचरण, महिला सशक्तिकरण और फोरेंसिक विज्ञान जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री कल हरियाणा के रोहतक का दौरा करेंगे, जहां वे सांपला में दीनबंधु सर छोटूराम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सर छोटूराम हरियाणा के जाने माने नेता थे, जिन्होंने किसान के कल्याण और दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए कार्य किया। प्रधानमंत्री सोनीपत में एक जनसभा में रेल डिब्बा मरम्मत कारखाने की आधारशिला रखे जाने के अवसर पर एक पट्टिका का भी अनावरण करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड निवेशक सम्मेलन से राज्य के लोगों के पलायन की समस्या के समाधान में मदद मिलेगी और बाहर गए लोगों की वापसी को बढ़ावा मिलेगा। शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन आज देहरादून में निवेशकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने सम्मेलन के दौरान हुए अनेक समझौता ज्ञापनों पर प्रसन्नता व्यक्त की। 2 दिनों से जो उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट हुई है, वह निश्चित रूप से उत्तराखंड के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका कंट्रीब्यूशन, भविष्य में जब उत्तराखंड राज्य का आर्थिक इतिहास लिखी जाएगी तो निश्चित रूप से इस इन्वेस्टर्स समिट की उसमें चर्चा की जाएगी। लगभग 600 से अधिक यमूज़ हुए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आशा व्यक्त की है कि भारत शीघ्र ही आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। उन्होंने कहा कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी देश के सतत विकास की कुंजी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आधुनिक और
आसान होते जा रहे हैं परिवार नियोजन के साधन, जैसे नया एमपीए इंजेक्शन। परिवार नियोजन से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए फोन करें टोल फ्री नंबर 1800116555 पर या लॉग ऑन करें hamdo.nhp.gov.in पर। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मुबारक हो, बुआ बन गई। इतनी प्यारी बच्ची है। इसकी नाल तो बिल्कुल सूखी है। कुछ सेल वेल लगाओ, नहलाया कि नहीं बच्ची को? डॉक्टर नी जी, अब आप ही समझाइए। बिल्कुल, बच्चे को 24 घंटे तक नहलाना नहीं चाहिए, ठंड लग सकती है उसे। और नाल पर तेल, घी, हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। नाल को साफ सूखा रखिए, वो अपने आप ही सूखकर गिर जाएगी। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। पहले ये बताओ, हाथ किस किसने धोया है? किसी ने नहीं। चलो तुम्हारे हाथों में जादू चलाते हैं। सबसे पहले होता है हाँ, फिर हाथ पे नाचे शपथ, हाथ पे होता फिर और फिर घूम के आगे पीछे। खेलो 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 तब और फिर चलाओ नाखूनों का, हाथ करे फिर पानी में छम 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 छम, क्योंकि सांप हाथ में ही है दम। बच्चों, अपने हाथों को सही तरीके से साफ करो, खास करके खाने से पहले, और साफ हाथों का दम आजमाओ। साफ हाथ में दम है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। जन्म से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को 7 बार टीकाकरण के लिए लेकर जाना है। 7 बार में से एक भी छूटना नहीं चाहिए, ये जिम्मेदारी हम सब की है। ये जो बीच के टीके भूल जाते हैं ना, ये देखिए अच्छी बात नहीं है। सारे टीके समय से लगेंगे, तभी जानलेवा बीमारियों से बच्चों को सुरक्षा मिलेगी। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत और ताजिकिस्तान परस्पर महत्वपूर्ण भागीदारी बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत ताजिकिस्तान को विकास परियोजनाओं के लिए $2 करोड़ का अनुदान देने की पेशकश करेगा। श्री कोविंद की ताजिकिस्तान की यात्रा के दूसरे दिन आज उन्होंने राष्ट्रपति इमोम अली रहमान से मुलाकात की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर दोनों देशों ने कई सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति कोविंद ने आज ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोम अली रहमान से बातचीत की और दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग समझौतों पर दस्तखत हुए। भारत ने ताजिकिस्तान में विकास कार्यों के लिए $20 मिलियन की मदद देने का प्रस्ताव भी दिया। राष्ट्रपति कोविंद ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ दोस्ती स्क्वायर भी गए और वहाँ स्मारक पर फूल चढ़ाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमाओं पर श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, दुशांबे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने कहा है कि राफाल लड़ाकू विमान और S-400 मिसाइलें हासिल करने से देश के वायुसेना की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। वे आज गाजियाबाद में हिंडन वायुसेना अड्डे पर वायुसेना की 86वीं वर्षगांठ के सिलसिले में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा में वायुसेना के योगदान की सराहना की। इस अवसर पर रंगारंग परेड का आयोजन किया गया। वायुसेना के योद्धा ड्रिल टीम ने हथियारों, उनके इस्तेमाल में बल की क्षमताओं और विमानों का प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा है कि हमारे लड़ाकू विमानों की मजबूत पकड़ और तत्परता पर हर भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वायुसेना दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र वायुसेना के शूरवीरों और उनके परिवारों को सलाम करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम देश भर में गुर्दे के रोगियों के लिए वरदान साबित हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों को इस कार्यक्रम के तहत निशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। पेश है हमारे शिमला संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के तहत सोलन स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में किडनी के हजारों रोगियों को उनके घर के पास लाभ मिल रहा है। इससे पहले डायलिसिस के लिए रोगियों को पीजीआई चंडीगढ़ या शिमला जाना पड़ता था। अर्की क्षेत्र के मनोहर लाल शर्मा, सुनीता और सुमन ने आकाशवाणी को बताया कि सोलन में ये सुविधा मिलने से उनके समय व पैसे की बचत भी हो रही है। पहले हमारे को चंडीगढ़ जाना पड़ता था और जब से सोलन में खुला है, पिछले साल से करवा रहे हम, मई महीने से, 1 साल हो गया पूरा, वो अभी टाइम हमारा बचा।
हमारे को बहुत फायदा हुआ। जब हम चंडीगढ़ जाते थे तो हमारा खर्च भी ज्यादा हो जाता था, 2-3 बार गाड़ी करनी पड़ती और फिर टाइम भी ज्यादा लग जाता है। यहाँ पर हमारे को बहुत फायदा हुआ, अच्छी सुविधा मिल गई हमारे को, फ्री हो रहा है यहाँ इलाज, सही तरीके से इलाज कर रहे हैं यहाँ पे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम के तहत गरीब रोगियों को मुफ्त में और अन्य को सब्सिडी के साथ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। इस वर्ष का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के प्रोफेसर विलियम नॉडहास और पॉल रोमर को स्थायी विकास पर उनके कार्य के लिए संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई है। दोनों अमरीकी अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन और टेक्नोलॉजी के असर पर कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा ने कहा है कि सतत विकास के लक्ष्य हासिल करने में भारत की सफलता से दुनिया में बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत इस बहुआयामी व्यवस्था के लिए बहुत महत्व रखता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का पद संभालने के बाद वे भारत यात्रा पर आई थी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की थी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य में बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासियों पर हाल ही में किए गए हमले की निंदा की है और प्रवासियों को आश्वासन दिया है कि उन्हें पूर्ण संरक्षण दिया जाएगा। आज राजकोट में श्री रूपाणी ने कहा कि गुजरात में सभी राज्य के लोग शांति और सौहार्द के माहौल में मिलजुल कर रहते हैं। गुजरात में शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए श्री रूपाणी ने कहा, गुजरात के लोगों को भी मैं अपील करता हूं कि शांति और सद्भावना रखें। बिन गुजरातियों को पूरा प्रोटेक्शन सरकार दे रही है और ऐसे कोई भी कानून हाथ में लेगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज गुवाहाटी में राष्ट्रमंडल संसदीय क्षेत्रीय सम्मेलन जोन 3 का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में श्रीमती महाजन ने कहा कि पूर्वोत्तर का देश में महत्वपूर्ण स्थान है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए जोर दिया है। सम्मेलन के दौरान चर्चा के मुद्दों में महिला सशक्तिकरण और घुसपैठ पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं से संबंधित मामलों पर बात किए बिना कोई भी बहस सार्थक नहीं है। सम्मेलन में राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा पूर्वोत्तर राज्यों के सांसद हिस्सा ले रहे हैं। जकार्ता में पैरा एशियाई खेलों में भारत ने आज 3 स्वर्ण पदक जीते। रक्षिता राजू ने महिलाओं के 1500 मीटर रेस में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सुयश जाधव नारायण ने तैराकी में पुरुषों की 50 मीटर बटर फ्लाई स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। संदीप चौधरी ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत 3 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य पदक सहित कुल 16 पदक लेकर तालिका में 8वें स्थान पर है। चीन पहले नंबर पर है। बम्बई शेयर बाजार का संवृद्धि सूचकांक पिछले 3 सत्रों से जारी गिरावट के सिलसिले से उबरकर आज 97 अंक बढ़ा और 34,174 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 32 अंक उछलकर 10,348 पर जा पहुंचा। सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आयकर विवरणी और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। इससे पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसके लिए 15 अक्टूबर की अंतिम तारीख तय की थी। सरकार ने कहा है कि उद्योगों को कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए नई टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए और इस बारे में ठोस कार्यक्रम भी तैयार करना चाहिए। आज नई दिल्ली में भारत जलवायु नीति और व्यावसायिक सम्मेलन 2018 का उद्घाटन करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन सचिव सीके मिश्र ने कहा कि सरकार जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने के उद्योगों के प्रयासों में मदद के लिए विनियामक ढांचा तैयार करने जा रही है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री डॉ महेश शर्मा ने बच्चों से कहा है कि वे अन्य प्राणियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में वन्य प्राणी सप्ताह के राष्ट्रीय कार्यक्रम के समापन के अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि बच्चों की दृढ़ता को वन्य प्राणी संरक्षण के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। राजौरी जिले में सबसे अधिक 81% मतदान रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईपीएस प्रोबेशनरी अधिकारियों से बातचीत की है और पूरी लगन से कार्य करने का आह्वान किया है। भारत ने ताजिकिस्तान को $2 करोड़ का अनुदान देने की पेशकश की है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने कहा है कि राफाल लड़ाकू विमान और S-400 मिसाइलें हासिल करने से भारतीय वायुसेना की क्षमता बढ़ेगी। अमेरिका के विलियम नॉडहास और पॉल रोमर को स्थायी विकास के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।